Assalamualaikum. I hope you all will be fine. So today our topic is about breakdown of pyruvic acid. जैसा कि हमने ग्लाइकोलाइसिस में डिस्कस किया था, वहाँ हमारी एंड प्रोडक्ट थी वो पायरुविक एसिड के टू मॉलिक्यूल थे. अब जो है हम डिस्कस करेंगे पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन. पायरुविक एसिड की ब्रेकडाउन होती है टू मेथड से, एक होती है एनएरोबिकली एंड एरोबिकली. फर्स्टली वी डिस्कस एन एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड. एन एरोबिक ब्रेकडाउन टू मेथड से होती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकेंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. नाउ फर्स्ट वी डिस्कस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अक्कर इन प्लांट्स, ये जो है प्लांट्स के अंदर होती है, अक्कर इन टू स्टेप्स. अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टू स्टेप से होती है. नंबर वन, डी कार्बोजाइलेशन, मीन्स के रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. फर्स्टली पायरुविक एसिड इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड. इसमें जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, देन प्रोडक्ट जो हमारे पास बनती है वो बनती है एसिड अल्डिहाइड. इज अ टू कार्बन कंपाउंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. पायरुविक एसिड इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड. इसमें जब जो है कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होती है, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज डी कार्बोजाइलेशन. कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल हुई तो ये जो है टू कार्बन कंपाउंड बनाएगा, दैट इज एसिड अल्डिहाइड एंड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल. सो ये जो था वो फर्स्ट स्टेप था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. सेकेंड स्टेप है रिडक्शन. अब जो है क्या होगी, रिडक्शन होगी किसकी, एसिड अल्डिहाइड. एसिड अल्डिहाइड रिड्यूस हो, सॉरी एसिड अल्डिहाइड की रिडक्शन होगी, मींस के उसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी. NADH+H अपना हाइड्रोजन जो है वो लॉस करेगा, जो कि कौन लेगा, एसिड अल्डिहाइड. एसिड अल्डिहाइड में हाइड्रोजन की एडिशन होगी, दैट कॉल रिडक्शन. एंड एसिड अल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल प्लस NAD. सो पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू एथाइल अल्कोहल, दैट इज द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन. एंड ये जो सारा प्रोसेस होता है एनएरोबिकली होता है एंड अकर इन प्लांट्स. सो नाउ वी डिस्कस द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दैट अकर इन एनिमल्स. अब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि ओनली किन में होती है, एनिमल्स के अंदर होती है. NADH+H ट्रांसफर इट्स हाइड्रोजन डायरेक्टली टू पायरुविक एसिड, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. जब NADH+H डायरेक्टली अपना हाइड्रोजन जो है ट्रांसफर कर देता है पायरुविक एसिड को, देन वो क्या बना लेता है, लैक्टिक एसिड. एंड NAD मींस पायरुविक एसिड में क्या हो रही है, डायरेक्टली रिडक्शन हो रही है एंड पायरुविक एसिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. एसिड फर्मेंटेशन इज अकर इन एन एरोबिक कंडीशन. ड्यू टू इनएडिक्युएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड. आपको पता है ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम हो जाती है, देन पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड. ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल सेल. ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रिमूव करती है लैक्टिक एसिड को मसल सेल में. एंड लैक्टिक एसिड जो है वो मसल सेल में जो है वो क्या हो जाता है, तो जाता है एक जगह पे जमा हो जाता है. देन इस कंडीशन को कहते हैं फटीग. फटीग इज द टायरिंग कंडीशंस ऑफ मसल. मीन्स के टायरिंग कंडीशन ऑफ मसल जो है वो क्या कहलाती है, फटीग. एंड फटीग जो है वो ड्यू टू दी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से होती है. एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्यों होती है, ड्यू टू दी इनएडिक्युएट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, देन जो है ये एनएरोबिक कंडीशन होती है, जिसमें लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है एंड टायरिंग कंडीशन ऑफ मसल होती है, दैट इज फटीग. हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम कब मिलना शुरू होती है, मीन्स के ऑक्सीजन जो है वो हमें कम कब मिलती है, जब जो है हम बहुत ज्यादा भागते या दौड़ते हैं, देन ऑक्सीजन जो है वो हमें बहुत कम मिलती है. और इस कंडीशन में जो है वो लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन होती है. यहाँ तक हमने एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुविक एसिड को डिस्कस किया. नाउ अब जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट. अब जो है एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट को डिस्कस करने जा रहे हैं. अकर थ्रू क्रेब्स साइकिल एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. एरोबिक ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड जो है वो अक्कर होती है क्रेब्स साइकिल की हेल्प से एंड प्रोड्यूस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी क्रेब्स साइकिल पे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि पायरुविक एसिड की एरोबिक ब्रेकडाउन किस तरह से होती है एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करते हैं. याद रखें जो एरोबिक ब्रेकडाउन है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगी एंड थ्रू क्रेब्स साइकिल.
तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।